बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन। अभी तक हमने स्कोप नॉलेज एरिया के अंदर सबसे पहले हमने प्लान स्कोप मैनेजमेंट को देखा, और प्लान स्कोप मैनेजमेंट के नतीजे में हमारे पास दो प्लान आए थे। एक प्लान आया था हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान, और दूसरा हमारे पास प्लान आया था रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। फिर इन दोनों प्लान को और कुछ इनपुट्स को यूज करते हुए हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, और रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने का इट वॉज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। हम उसमें एक एक स्टेक होल्डर से हर हर तरह की रिक्वायरमेंट लेते हैं, जिसकी डिटेल्स हमने जाहिर है पिछले लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स को हम प्रायोरिटाइज भी करते हैं। प्रायोरिटाइज किस तरह करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं? ऑब्वियसली हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को सबसे ज्यादा फुलफिल करती हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आपको याद होगा, मैं स्टार्ट से आपको एग्जांपल देता आया हूँ कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है। लाइक समटाइम्स कैजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट, समटाइम्स कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैजुअल। सो कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बेस पे हम ये देखेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ हमने ये भी देखा था, एक एस्पेक्ट हमने कवर किया था कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने इस तरह नहीं करना कि जी मुझे स्टेक होल्डर को खुश करना है, सब स्टेक होल्डर्स को राजी रखना है, तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी हर रिक्वायरमेंट को एंटरटेन करूंगा। ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स एंटरटेन करनी है जो हमारे चार्टर के अंदर आती है, जो प्रोजेक्ट का जो बिजनेस केस है, जिस पर्पज के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको मीट करती है। सो हमने रिक्वायरमेंट भी गैदर की और उन रिक्वायरमेंट को हमने प्रायोरिटाइज भी किया। उसके बाद हमने कहा कि जी अब मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, और इन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखा, सॉरी, और एक उसका मतलब इस प्रोसेस के रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दो आउटपुट्स निकले। एक हमारे पास निकला रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा हमारे पास निकला रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स एक्चुअल में हमें हेल्प करती है टू लिंक द रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं फॉरवर्ड पाथ चलूँ तो लिंक द रिक्वायरमेंट्स विद सम डिलीवरेबल्स जो उस रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। लाइक अगर किसी ने मुझे कहा है कि यार आप ना हमारे हमारे प्रोजेक्ट उसके अंदर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ये सो एंड सो फंक्शन होना चाहिए, या सेफ्टी होनी चाहिए, या यू नो इंटरनेट पे उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखनी है, तो कौन सा प्रोजेक्ट का फीचर या डिलीवरेबल है जो इस रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। अच्छा, अब और उसके बाद हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, जिसको हमने कहा था कि हमारा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या हमारा कोई टेस्ट केस जो है ना वो डिफाइन होना चाहिए कि जब मैं ये टेस्ट रन करूं तो उस टेस्ट को सक्सेसफुल होने के नतीजे में वी कैन क्लेम कि हमारी ये रिक्वायरमेंट मीट हो गई है। और इसको हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी कहेंगे कि जो भी जिस भी स्टेक होल्डर ने वो रिक्वायरमेंट दी है हम उसे सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि यार ये देखें हमने ये टेस्ट डिसाइड किया था और अब हमने ये जब ये टेस्ट रन करके देखा है तो इट्स वर्किंग फाइन। लाइक उस दिन हमने एग्जाम्पल दी थी कि जो स्मोक डिटेक्टर्स है, अगर मुझे किसी ने कहा कि जी फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई अलार्म होना चाहिए तो हमने कहा था कि हम उसको स्मोक डिटेक्टर जो है वो लगाएंगे, और अब अगर मैं उसके नीचे स्मोक जो है वो जनरेट करता हूँ और वो अलार्म रिंग हो रहा है तो इसका मतलब है मेरा ये वाला रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी में देखते हैं, और ये फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी थी। इसी तरह बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी में अगर मैं देखूँ तो मैं ये देखूंगा कि यार ये रिक्वायरमेंट किसी और रिक्वायरमेंट के नतीजे में प्रोड्यूस हुई थी, इसके भी हमने उस दिन कल एग्जाम्पल देखी थी, या इससे पीछे मैं देखूंगा कि यार किस स्टेक होल्डर ने ये रिक्वायरमेंट रेज की है, WBS के कौन से एलिमेंट से ये रिक्वायरमेंट लिंक्ड एंड सो ऑन, और प्रोजेक्ट के कौन से ऑब्जेक्टिव्स को ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। तो एक फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी है और एक बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी है। जब हमारे पास हंड्रेड ऑफ स्टेक होल्डर, लाइक 100 के करीब स्टेक होल्डर जो है वो एक प्रोजेक्ट पे हैं, तो जाहिर है उनकी तरफ से मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आएंगी और 1000 में वो रिक्वायरमेंट चली जाएंगी, तो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स हेल्प्स अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स। फिर हमने इन रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए हमने अपनी एक स्कोप स्टेटमेंट बनाई, और उसको हमने कहा जी कि अब हम अपनी जो डिफाइन स्कोप वाला प्रोसेस है उसमें गए और वहां पे हमने अपनी एक स्कोप स्टेटमेंट बनाई। स्कोप स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको एक वो शेयर भी की हुई है, एंड आई हैड रिक्वेस्टेड कि आप लोग उसको एक दफा देख जरूर लीजिएगा कि स्कोप स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, और उसमें मेनली अगर मैं कहूँ तो दो बातों में अगर मैं कहूँ कि व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन माय प्रोजेक्ट एंड व्हाट ऑल इज नॉट इंक्लूडेड इन माय प्रोजेक्ट, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन भी, इन स्कोप एंड आउट स्कोप, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दोनों।
तो हम ये देखना चाहेंगे, हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि भाई ये पॉइंट्स जो है मेरे स्कोप का पार्ट है, ये चीजें मेरे स्कोप का हिस्सा नहीं है। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें एक अंदेशा होता है कि यार कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो, तो हम वहां पे क्लैरिटी के पर्पज के लिए ये चीजें क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और उसमें जब हमारी स्कोप स्टेटमेंट बन जाती है, तो नाउ अगर आपको प्लानिंग वाला पार्ट आपको याद हो, तो प्लानिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, मेरे पास जब स्कोप स्टेटमेंट बन जाती है तो एट दैट टाइम हम एक मेक और बाय डिसीजन करते हैं, और मेक और बाय डिसीजन के नतीजे में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से आइटम्स इस स्कोप स्टेटमेंट में से हमने खुद बनाने हैं और कौन से आइटम्स जो है वो हमने आउटसोर्स करने हैं, और जो चीजें हमें आउटसोर्स करनी होती हैं उसके हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, और फिर साथ में हम अपनी एक प्लानिंग टीम जो है उसको बना साथ खड़ा करते हैं, और फिर हम अपना WBS बनाएंगे। सो जनरली प्रोजेक्ट के जो जो हिस्से तो हमने आउटसोर्स करने होते हैं, जो चीजें हमने आउटसोर्स करनी होती हैं वो यहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जब हम ये WBS बना रहे होते हैं तो उस दौरान भी, लाइक ये मैंने WBS बनाया, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया और मैंने कहा कि यार ये वाला जो पार्ट है इसको मैं आउटसोर्स करूंगा, बट जब मैं दोबारा इन चीजों को फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा होता हूँ आगे से इस तरह, तो यहाँ पे आके मुझे फिर एहसास होता है कि यार ये वाला पार्ट भी मुझे आउटसोर्स करना है, तो इसको भी मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। जो चीजें हमने खुद नहीं बनानी, जाहिर है उसको हम क्यों ब्रेक डाउन करेंगे, वो तो जिस भी वेंडर को, जिस भी सेलर को, हम जिस भी कॉन्ट्रेक्टर को वो आउटसोर्स करेंगे वो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे और इस पॉइंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। हाँ, बाकी प्रोजेक्ट को हम उसी तरह ब्रेक डाउन करते रहेंगे, कितना ब्रेक डाउन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। अच्छा, आपके लिए एग्जाम पर्पस में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यार आपने ये, आपको ये पता हो कि भाई WBS इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्चुअल में आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की क्लैरिटी ही इसी से आती है। जब आप WBS बनाते हो तो आप उसकी एक एक डिटेल में जाते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो, तो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक फायदा तो उसका ये है। अच्छा, दूसरा वो टीम मेंबर्स जिन्होंने काम करना होता है उनको भी क्लैरिटी आती है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि यार इस तरह मेरे कुछ या 60 डिलीवरेबल्स हैं और हम इस डिलीवरेबल की बात करते हैं, इसके अंदर ये फर्दर सब पार्ट्स हैं और फिर इसके अंदर ये सब पार्ट्स हैं एंड सो ऑन, तो अब आप सोचें कि एक शख्स या एक टीम मेंबर वो जो इस चीज पर काम कर रहा है उसे ओवरऑल अंदाजा होगा कि यार मेरा इस पूरे प्रोजेक्ट में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। लाइक मैं अगर ये काम नहीं करता तो ऑब्वियसली ये पीस रुक जाएगा, अगर ये पीस रुका तो इसका मतलब है ये भी नहीं बन सकेगा, और ये नहीं बना तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकेगा, अगर ये नहीं बना तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला डिलीवरेबल, फाइनल डिलीवरेबल, डिलीवरेबल इफेक्ट हो सकता है। तो आपको लाइक एक WBS का फायदा ये भी है कि हम इस तरह जब चीजें करते हैं तो जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें प्रोजेक्ट के ऊपर अपना रोल और अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा तरीके से क्लियर हो जाती है। फिर हम इस WBS को ना बहुत सारे पर्पसेस के लिए और भी यूज कर सकते हैं, हम इसको कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से अभी एक टीम में एक नई टीम आई है जिनका प्रोजेक्ट पे एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, तो उनको मैं इस तरह का बोर्ड पे ये WBS बना के उन्हें कहूँ कि ये जो जिन पे मैंने ग्रीन लगाया हुआ है, सॉरी ये रेड टेक लगाया हुआ है, ये वाले काम हो चुके हुए हैं और ये वाले काम जिन पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, लेट से ये नहीं हुए और इस वक्त आप यहाँ पे हैं, और ये वो पार्ट है जो आपने पे करना है और आप ये काम करेंगे तो यू कैन सी कि हम इसको आगे गो अहेड दे सकते हैं, अदरवाइज ये काम फंसा रहेगा एंड सो ऑन। तो मैं अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, मैं टीम मेंबर्स को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के लिए, और फिर हम ये भी कर सकते हैं, मतलब इसी WBS को हम इस काम के लिए भी यूज कर सकते हैं कि सर 10,000 इसका लगना है, 25,000 इसका लगना है, इसका इतना 10,000 लगना है एंड सो ऑन, और इस तरह मैं अपना बजट जो है वो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता हूँ। सो WBS, अगर मैं कहूँ ना कि ये WBS बन गया और है मेरे पास, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है बनाने का वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई? बिकॉज उस प्रोसेस के दौरान आपको क्लैरिटी आती है कि मुझे करना क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां से मिलती है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन। लाइक अगर मैं अभी आपको बैठे बैठे कहूँ कि यार हम एक स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, नाउ लेट्स, दिस इज योर प्रोजेक्ट, आप सर एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस, अब मुझे इसकी क्लैरिटी तभी आएगी जब मैं इस काम को, अच्छा यार स्कूल ओपन करना है, एक नया स्कूल बनाना है, तो क्या क्या काम रहेंगे। ओके, जैसे ही हम ये काम शुरू करेंगे तो हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि यार ये चीजें हैं जो मुझे करनी है।
So WBS create, WBS is one of the very important points या process of the क्या कहते हैं project management. अच्छा दूसरा आपने ये जो WBS है ये अगर जब आप बनाते हैं ये एक ना basics provide करता है. This provides you with a starting point. कल मैंने एक WBS आपके सामने इस तरह बनाया था. आई होप आप लोगों ने देखा होगा. अगर नहीं भी देखा तो चले एक नया बना लेते हैं या इसी तरह आगे चलते हैं. मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ये एक सॉफ्टवेयर है WBS चार्ट प्रो. अगर आप लोगों के लेना चाहें तो मेरे से किसी वक्त ये ले लीजिएगा. इट्स वेरी इजी कन्वीनियंट. और ये प्रोजेक्ट MS प्रोजेक्ट जो दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर है उसके साथ ही इंटीग्रेट भी हो जाता है. एनीवेज ये मैंने प्रोजेक्ट किया और उसके नीचे सपोज किया कि यार देयर आर फोर की डिलीवरेबल्स या टोटल चार डिलीवरेबल्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के हैं. और फिर मैंने कहा कि इसमें ये जो नंबर टू है, नंबर टू के अंदर दो सब डिलीवरेबल्स हैं तो वी वुड कॉल एक को हम कहेंगे 2.1 और दूसरे को हम कहेंगे 2.2. अब 2.1 के अंदर भी तीन हैं तो आई वुड से 2.1.1, 2.1.2 एंड 2.1.3 इस तरह. और इसी तरह ये सारे डिलीवरेबल मैं जल्दी जल्दी अब आपके सामने ऐड कर देता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए हुए, मैं उनको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि हाउ डज दिस प्रोवाइड दिस WBS क्रिएशन जो है ना ये हमें एक एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है और किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करते हैं. लेट्स से ये जो नंबर वन मेरा सॉरी डिलीवरेबल है इसके नीचे मैं तीन और ऐड कर देता हूँ. एक को मैं कहता हूँ 1.1 और उसके साथ मैं यहाँ पे एक और डिलीवरेबल करता हूँ जिसको मैं 1.2 कहूंगा और इसके बीच तीसरा बना लेता हूँ 1.3. इसके नीचे तीन है. लेट से 1.1 के नीचे भी एक और सब डिलीवरेबल या इसका वो फर्दर ब्रेक होता है और उसको मैं कहता हूँ 1.1.1. और आप लोगों को अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा मैं नंबरिंग कैसे कर रहा हूँ, वैसे तो ये बड़ा मतलब ऑब्वियस सी चीज है, सबको नजर आ रही होगी ये क्या है, बट स्टिल अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो यू मे आस्क मी. ठीक है, ये मैंने तीन डिलीवरेबल्स इसके नीचे बना लिए और लेट से जो 1.3 है इसके आगे फिर कुछ डिलीवरेबल्स है. ठीक है, तो मैंने उसको भी फर्दर जो है वो आगे इसके नीचे डिलीवरेबल ऐड की है तो 1.1.3.1 और दूसरा इसके साथ एक और है इसका सब कंपोनेंट सॉरी इसके साथ मैंने एक और कंपोनेंट ऐड किया 1.1.3.2. और अच्छा ये लेट से इस तरह बन गया और इसी तरह मैं टू का थ्री का ये सारा बनाऊंगा तो मुझे एक WBS का बड़ी क्लियर सी अप्रोच देता है या एक अंडरस्टैंडिंग देता है. अच्छा यार ये दो चीजें मिलके ये बनेगा, ये तीन चीजें मिलके ये चीज बनेगी, ये तीन चीजें मिलके मेरा फाइनल दिस डिलीवरेबल बनेगा. इसी तरह मैं टू को भी स्टार्ट करता हूँ एंड सो ऑन. अच्छा और इसके अंदर आप एक और चीज देखें कि हमारे WBS के ऊपर जो भी अभी फिलहाल मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जो भी काम है वो काम बेसिकली लाइक ये एक डिलीवरेबल बना है, ये भी एक डिलीवरेबल है, ये भी एक डिलीवरेबल है. उसके बाद इसके सब डिलीवरेबल्स तीन है नीचे तो बेसिकली ये जो तीन डिलीवरेबल हैं या उससे नीचे वाली जो चीज है इसको हम सबको किसी भी एक डब्बे को किसी भी एक डिलीवरेबल को या सब सब डिलीवरेबल को हम कहते हैं कि ये मेरे एलिमेंट्स ऑफ द WBS है. ठीक है, कोई भी एक वर्क एलिमेंट है, वर्क एलिमेंट या कोई भी WBS का एक डिलीवरेबल. अच्छा अब इसके कुछ लेवल्स होते हैं और हर लेवल के मुताबिक हम उस WBS को के जो वर्क एलिमेंट्स हैं उनको कोई नंबर देते हैं. इन नंबर्स को हम कहते हैं ये यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं. ठीक है, 1.1 का एक खास मतलब है, एक खास मीनिंग है. इट इज एन यू नो आईडी नंबर फॉर समथिंग. उस समथिंग क्या है वो मेरे पास ऑब्वियसली उसकी डिटेल WBS डिक्शनरी में लिखी होगी, लेकिन 1.1 के नीचे कितने हैं, ये किसका पार्ट है, ये सारी डिटेल मेरे पास WBS डिक्शनरी में होगी. अच्छा अब ये जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो हम हर वर्क एलिमेंट को देंगे और इसका जो नंबरिंग का सिस्टम है वो आपके सामने आ गया होगा. अच्छा ये मेरे पास फर्स्ट लेवल है, लेट्स से ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये चौथा लेवल है. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ कंपोनेंट्स में भी पांच या छह लेवल से नीचे चले जाएं और कुछ कंपोनेंट्स सिर्फ लाइक अगर मैं कहूँ वो दो या तीन लेवल तक रहे. अच्छा एक बात ये, दूसरी एक और बात, जनरली ये जो टॉप मोस्ट लेवल होता है ये होता है डिलीवरेबल्स का या फेजेस का. मैं आज आपको दोनों के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि मैं
बाय डिलीवरेबल भी इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ काम को, और बाय फेजेस भी कर सकता हूँ। मसलन अगर मैं कहता हूँ मुझे घर बनाना है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा सिविल वर्क ऐसा है, और वो जो मेसनरी वर्क ऐसा है, इलेक्ट्रिकल ऐसा है, प्लम्बिंग ये है, और फिर मैं प्लम्बिंग का नीचे आगे फर्दर डिवाइड करता जाऊँ। ये तो मैंने डिलीवरेबल्स की टर्म में कि दरवाजे एक डिलीवरेबल है, कबर्ड्स दूसरा डिलीवरेबल है, एंड सो ऑन। अच्छा अब एक और होता है कि यार पहले मैंने क्या करना है, तो मैं कहूंगा मैप अप्रूवल है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, फाउंडेशन ले करना है, उसके बाद सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके बाद पेंट वर्क खड़ा करना है। तो अब ये मैं स्टेप्स या फेजेस बता रहा हूँ, पहला फेज मेरा ये होगा, दूसरा फेज मेरा ये होगा, तीसरा फेज मेरा ये होगा। सो एक तरीका ये है प्रोजेक्ट को मैं ब्रेक डाउन कर लूँ डिलीवरेबल्स की टर्म में कि इसके कितने कंपोनेंट्स या चीजें मुझे बनानी है, और दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि मैं उसको फेजेस में कर लूँ। एक और भी तरीका मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये एक रफ आइडिया आपके माइंड में अबाउट द WBS होना चाहिए। उसके बाद एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर आपका जब आप वर्क ब्रेक डाउन लाइक डिफरेंट टीम मेंबर्स अपनी चीजें बता रहे होंगे, और एक टीम मेंबर कहते हैं कि सर वो जो ना एक काम मेरा ये भी है, आप इसको इस लेवल पर रखें, मैं कहता हूँ ठीक है रख लेता हूँ। अब अगर तो ये जो उसने काम ऐड करवाया है, ये किसी भी चीज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लाइक अगर मैं कहूँ कि यार ये फोर के अंदर किसी पार्ट का, फोर के किसी पार्ट का हिस्सा है, या किसी का फोर वाले का पार्ट है, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ये फ्री फ्लोटिंग है, तो इसका मतलब है ये चीज मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है, ये चीज मेरे प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं आती। अगर स्कोप में आती तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी डिलीवरेबल के अंदर शामिल हो रही होती। जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये दो चीजें मिलके ये बना रहा है, और ये तीनों चीजें मिलके ये चीज बन रही है, और फिर ये तीन चीजें मिलके ये बन रहा है, और फिर ये सारे मिलके प्रोजेक्ट में हो रहा है। तो इस तरह अगर कोई फ्री फ्लोटिंग है, तो इसका मतलब दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज नॉट इन माई स्कोप, एक बात। दूसरी बात आपने एक और याद रखना है कि यार अगर लेट्स से इस वाले पे हम आते हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये दोनों मिलके ये चीज पूरी नहीं बन रही, लाइक 1.1.3 पूरा नहीं होता इन दो से, तो इसका मतलब है देयर समथिंग मिसिंग, एक आधी चीज या दो चीजें और मजीद होंगी तो ये पूरा होगा। सो आप देखें WBS आपको दो चीजों में हेल्प कर रहा है। एक चीज ये हेल्प कर रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा होता है, जो स्कोप में शामिल नहीं होता, वो आइडेंटिफाई हो जाता है, एक बात। दूसरी बात अगर मैं इधर देखता हूँ कि यार क्या ये दोनों चीजें मिलके, लेट्स से मैं कहता हूँ वुड वर्क, क्या दरवाजे और खिड़कियां मिलके मेरा वुड वर्क कंप्लीट कर देते हैं, मुझे लगता है नहीं, तो फिर देयर समथिंग मिसिंग। रैक्स में भी बनाना, किचन रैक्स वो मिसिंग हो गए, मे बी उसकी पॉलिशिंग वो रहती है, ये सब मिलके मेरा मे बी वुड वर्क कम्प्लीट हो। तो WBS ना सिर्फ हमें मिसिंग एलिमेंट्स, वो जो गैप्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो भी फाइंड करने में हेल्प आउट करता है। तो ये WBS बनाने के कुछ फायदे हैं। अच्छा अब ये जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है, मैंने आपको कहा कि एक तो आप इस तरह अपनी, अभी मैंने वो बाकी नहीं बताया हुआ, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की चीज आपके पास आ जाती है, तो ये आपको बड़ा यूजफुल होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द ओवरऑल वर्क, सब इसको देख के बड़े आराम से समझ सकते हैं। अच्छा फिर इसके अलावा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मसलन मैं अपने स्केजुलिंग के परस्पेक्टिव में, सॉरी, अच्छा हाँ एक इसका व्यू और भी है, और वो व्यू ये है, जैसे अगर मैं मतलब हायरार्किकल उसमें नहीं बताता, तो मैं यूं भी बना सकता हूँ, ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, और लेट्स से एक डिलीवरेबल ये है, दूसरा डिलीवरेबल ये है, तीसरा ये है, एंड सो ऑन। अब मैं इसके अंदर जो भी सब पार्ट्स हैं उनको मैं यूं लिख दूं, एक दो, और लेट्स से ये तीन सब पार्ट है, और इसके अंदर फर्दर कुछ सब पार्ट है, तो मैं उसको यूं बना दूं। तो एक तरीका ये भी है कि इंस्टेड ऑफ इस तरह बनाने में बहुत ज्यादा हो जाता है लेंथ ज़रा, तो मैं इसको इस तरह वर्टिकल भी लिख सकता हूँ। अच्छा एक तो ये वाली बात, दूसरी बात, सॉरी, सर, इज इट नेसेसरी कि जी ये WBS जो आपने बनाना है, ये आपने हमेशा ये फ्लो चार्ट की शक्ल में बनाना है, इज इट इन अ काइंड ऑफ इन शेप ऑफ डॉक्यूमेंट एज वेल नहीं, कि जी डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं हो सकती, लिस्ट नहीं होगी, ये लिस्ट नहीं हो सकती? हाँ ओके लिस्ट फाइन। नहीं हो सकती, मैं भी आपको इसका बताऊंगा, लिस्ट नहीं होगी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जरूर होगा, ठीक है। इससे ओके आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर मिलती है, एक्चुअल में आपको पता चलता है कि यार मेरा लिस्ट के, अभी मैं बताता हूँ, हाईलाइट करेंगे हम इस पर बात भी करेंगे कि लिस्ट नहीं हो सकती है। अच्छा अब राइट मैं इसका एक और व्यू बना सकता हूँ, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि यार ये कितने परसेंट मुझे प्रोग्रेस देखनी है, तो मैं लेट्स से कहता हूँ कि ये मेरे पास ID 1 या 2 है, ये मेरे पास पहली वो प्रोजेक्ट है, इसे हो तो उसकी नंबरिंग कर दी हुई है, ओवरऑल प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है,
अच्छा ये जो दूसरा है 1.1 या 1.1, ये कितने परसेंट कंप्लीट है, तो मुझे प्रोग्रेस भी पता चल सकती है। अगर मैं इसी के ऊपर लिख लूँ 10% काम ये कंप्लीट हुआ हुआ, 20% ये हुआ, एंड सो ऑन, तो मुझे ये काम भी पता चल जाता है। मतलब डिफरेंट व्यूज आप ले सकते हैं इस WBS के, यानी कि मल्टीपल यूजेस जो है वो आप कर सकते हैं। एक और देखते हैं, अब आप देखें कि अगर मैंने अपना हर हर एक्टिविटी का, या हर सॉरी WBS एलिमेंट, जिसको मैं वर्क एलिमेंट कह रहा हूँ, हर WBS एलिमेंट पे का ड्यूरेशन कितना है घंटों में, और उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है घंटों में, मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो इसी चीज को, एक ही WBS को मैं मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर रहा हूँ। अब हम आते हैं उसकी तरफ, इसी चीज को, मैंने आपको कहा था कि ये टूल जो है ये हेल्प करता है आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। जस्ट मैं अगर कहूँ ना कि यही WBS आप शो करें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैंने एक्चुअल में ये मेरा वो कॉन्फिगर नहीं हुआ हुआ, मैं अब इधर आता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें मैंने वही चीज फिलहाल तो एक लिस्ट की शक्ल में लिखी हुई है, ठीक है, वही जो काम थे सारे के सारे लिस्ट की शक्ल में। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों ने पहले कभी इस तरह का काम या सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला यूज नहीं किया, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा और बाकियों की ऑब्वियसली रिविजन हो जाएगी। अच्छा, अब ये मेरे पास वो मेन था, मैंने कहा एक प्रोजेक्ट है उसका, एक मेरे पास ये है डिलीवरेबल 1, ये डिलीवरेबल 2 है, और ये डिलीवरेबल 3 है। अच्छा, इसमें हमारे पास बहुत सारे ना फायदे होते हैं कि मैं इसको सम अप कर दूं, या इसको सॉरी इंडेंट कर दूं, थोड़ा सा मैं चलिए, अगर मैं कहूं कि ये सारी चीजें जो अब मैंने हाईलाइट की हैं ये पार्ट है नंबर 1 डिलीवरेबल का, ठीक है, तो इसको मैंने आगे कर दिया इस तरह। अब आप देखें ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो 1.1.1.1 और से लेकर ये है, ये मेरे पास पार्ट है 1.1 के, तो इसको मैंने फर्दर इंडेंट यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा और आ गया। अच्छा, इसके बाद ये जो 1.1.3 और ये वाले हैं दो, ये बेसिकली 1.1.3 के सब पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनको मैंने कर दिया। इसका फायदा क्या होता है, अभी मैं फायदा भी आपको बताता हूँ इस तरह करने से क्या फायदा होगा। सॉरी, अच्छा अब मैं बाकी अभी फिलहाल नहीं कर रहा, ये चलो कर ही नहीं यार, एक बार कुछ गड़बड़ हो गई ना। अच्छा, जी सर नहीं, अब ठीक हो गया। जी आप ठीक है। ओके, चलिए जी, बारह पॉइंट ये था कि जी आपको ये समझ आ जाए इसका फायदा क्या होता है इस तरह की चीजें करने का। अगर मैं यहाँ पे एक अपनी इस एक्टिविटी 1.1 और 1.1.3 और 1.1. ये जितना भी है उसकी मैं अगर ड्यूरेशन यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी ये दो, ये पहले वाली जो है ना ये टाइम लेता है 2 days का, और दूसरे वाला जो है वो टाइम लेता है 4 days का, तो मेरे पास इन टोटल ये वाली जो चीज है 1.1.3 एलिमेंट, ये अगर मैं इसको बंद बंद कर दूँ तो वो 4 days का लेगा। इसी तरह अगर मैं 1.1.2 को कहता हूँ कि यार ये 2 days लेगा, और फिर ये भी 2 days लेगा, तो लेट्स से ये 5 days हो गया, तो ये मेरे पास ये कर दिया, अब मैंने ये भी बंद कर दिया, तो मुझे बड़े आराम से ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो सम अप हो जाता है। मतलब अगर मैं कहूँ इस तरह इनको बंद करता जाऊँ तो मैं सिर्फ डिलीवरेबल लेवल पे भी चीजों को देख सकता हूँ, यार ये कितना, ये एक्चुअली वो इंडेंट पे यहाँ पे फॉल्ट है, और टोटल मेरे पास ड्यूरेशन कितना बनेगा वो यहाँ पे प्रोजेक्ट का आ जाएगा। अभी मैंने उसको उस तरह इंडेंट किया नहीं हुआ, तो मैं जैसे ही इसको इस तरह इंडेंट करूंगा मेरे पास प्रोजेक्ट के टोटल ड्यूरेशन और इसी तरह उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, और अगर मैं इनकी कॉस्ट ऐड करना शुरू कर दूं वो मिल जाएगा। सो अगर मैं अपने अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने सिर्फ वो 2 2 days का वो किया हुआ है,
यहाँ पे मेरे पास एक ड्यूरेशन का चीज आना शुरू हो जाएगी, ये आप देखें राइट साइड पे, इस तरह का एक वो ग्राफ। अभी सबकी स्टार्ट डेट एक है, लेकिन अदरवाइज क्या होगा अगर मैं इसकी स्टार्ट डेट यहाँ पे चेंज कर दूं आगे ले जाऊं, तो ये एक्टिविटीज कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा चार्ट बन जाएगा। और बाय द वे इस चीज को हम कहते हैं ये मेरी स्केजुअल की बेस लाइन है, सिर्फ स्केजुअल की बेस लाइन या गैंट चार्ट जो बनता है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि यार ये एक्टिविटी इस डेट को खत्म होगी, जब ये एक्टिविटी खत्म होगी तो अगली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, इसके हाफ में यहाँ पे एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एंड सो ऑन। इस तरह इन एक्टिविटीज के ऊपर रिसोर्सेज जो काम कर रहे हो उनके नाम भी आ सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें करने का आपको बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या है? पहली बात तो ये कि मुझे एक एक एक्टिविटी, लाइक इस तरह मेरे पास कुछ 1000 एक्टिविटीज की लिस्ट हुई आई भी होगी, और मैं उनको इस तरह ब्रेक भी कर सकता हूँ, डिटेल में जाके भी देख सकता हूँ उसको, मैं चाहूँ तो इस तरह श्रिंक करके और अपने पास एक समरी फॉर्मेट में भी चीजों को ला के देख सकता हूँ। तो मेरे पास एक ये फायदा है, टोटल ड्यूरेशन कितना है, कॉस्ट कितनी है, वो मैं सिर्फ अपडेट करता रहूंगा, बाकी चीजें वो कैलकुलेट करता रहेगा। सो ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि आप देखें प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, जिसको हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कहते हैं, वो भी मैं इसी चीज से, WBS ही उसकी बेसिस बनता है अल्टीमेटली, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगेन WBS ही है। सो विद दिस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अब हम जरा जल्दी से WBS, अब जो बातें पढ़ेंगे वो मोर और लेस यही है जो मैंने कर दी हुई है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स अगेन, ताकि अगर कुछ मिस हुआ हुआ है तो वो मुझे पता चल जाए। मैं स्क्रीन शेयरिंग एक मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, टास्क बार खत्म नहीं हो रही थी। Anyways, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे आइए, WBS क्या है? WBS बेसिकली इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ माय टोटल वर्क, और हम उसको कितना ब्रेकडाउन करते हैं, हम इतना ब्रेकडाउन करते हैं कि हमारे जो वर्क एलिमेंट हैं वो उस हद तक ब्रेकडाउन हो जाए कि उनका एस्टीमेट लगाना मेरे लिए आसान हो, नंबर वन, एस्टीमेशन आसान हो जाए, नंबर टू उसको मैनेज करना आसान हो, लाइक अगर मैंने ये काम किसी को हैंड ओवर करना है नीचे टीम मेंबर को, तो वो टीम मेंबर उसको मैनेज कर सके, ये इतना छोटा रीजनेबल काम हो, ये ना हो कि बहुत बड़ा टास्क है उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो। तो एस्टीमेशन जहाँ पे आसान हो, उसकी मैनेजमेंट आसान हो, और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी आसान हो। बहुत डिटेल में अगर आप जाके मॉनिटरिंग करोगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए मसला होगा, और इसके मैंने एग्जाम्पल आपको एक वो शायद पहले दी थी, लेट्स से मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और उस ट्रिप के अंदर हम सारे टीम मेंबर्स हैं, और आप में से किसी एक के जिम्मे मैंने लगाया हुआ कि भाई आपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपके हवाले है, तो अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए ब्रेकडाउन क्या है? लेट्स से हमारा जो डिपार्चर है वो फैजाबाद से हमने निकला है, और हमारी जो भी ट्रांसपोर्ट है वो फैजाबाद से करेगी। अब हो सकता है कोई मेरी तरह दूर दराज इलाके से आ रहा हो और वो कहे कि जी सर मैं तो, ये मेरा घर है और मुझे घर से अपने मेन स्टॉप तक जो है ना वो लगते हैं ऑलमोस्ट, टैक्सी वाला जो है ना वो मेरे से 100 रुपीज ले लेता है, उसके बाद मैं यहाँ पे मेट्रो पे बैठता हूँ और वो लेट से मेरे पास 20 रुपए ले लेती है, और उसके बाद मैं यहाँ से उतरूंगा और वो मुझे फिर फर्दर आगे एक टैक्सी करनी पड़ेगी जो 60 रुपए लेगी। क्या मैं अपनी ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर जो प्लान कर रहा हूँ, जो एस्टिमेट कर रहा हूँ, वो इस हद तक ब्रेक डाउन करूँ इतना छोटा, और उसके बाद मैं कहूँ ये बस जाएगी तो यहाँ पे इसका फ्यूल के चार्जेस हैं, इसके टोल टैक्स है वगैरह वगैरह, और हमने जिस जगह पे जाना है वहां पे रुकेंगे, और उसके बाद आगे जीप्स पे जाना है वो भी ट्रांसपोर्ट में है, तो मैं कितनी डिटेल में जाके ये करूंगा? अगर मैं जिस भी साहब को मैंने ये काम किया हुआ, 50 बंदों की टीम जा रही है या 40 बंदों की टीम ये जा रही है, तो ऑब्वियसली वो हर किसी के घर वाले किराए और वो भी ऐड करना शुरू कर देगा, एंड दैट वुड बी टू मच अ डिटेल टू मैनेज एंड कंट्रोल। सो आई वुड से कि यार ये नहीं, मुझे बस एक लमसम बता दो घर से यहाँ तक की कितनी कॉस्ट बनी है, बस ये बता दो, ये मुझे इतनी बारीकियों में ना बता दे, या मैं कहूँ कि यार ओवरऑल मुझे बता दो कि कितनी आपके पास ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बनी है वगैरह वगैरह। तो अब ये जो चीज है ब्रेक डाउन करना, वो उस हद तक आप इसको ब्रेक डाउन करोगे कि जहाँ पे चीजों को एस्टिमेट करना आसान हो, जहाँ पे चीजों को मैनेज करना आसान हो, जहाँ पे चीजों को मॉनिटर एंड कंट्रोल करना आसान हो। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो जो कोऑर्डिनेशन एफर्ट है ना वो ज्यादा हो जाएगी, और हमें जो फायदा पहुंचता है ब्रेक डाउन करने से उससे ज्यादा हमें ये एफर्ट करनी पड़ेगी। सो हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करें। दूसरा, बहुत बड़ा अगर आप रखते हैं और एक मतलब ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करते हैं और बड़ा पीस रख लेते हैं काम का, तो फिर उसका हमें अच्छा एस्टिमेट और अच्छी मैनेजमेंट और अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता।
सो उसके बारे में हमने कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं अभी पढ़ूंगा, आपको दिखाऊंगा कि वो रूल्स क्या हैं, एक जनरल गाइडलाइंस हैं, रूल्स तो उसे नहीं करना चाहिए, कोई लॉ तो नहीं है, बट रूल ऑफ थंब आप कह लें, जिसको हम ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक्स इज अ टर्म यूज्ड कि हम एक जनरल पर्पस, जो रूल ऑफ थंब है, एक जनरल गाइडलाइन है, उसको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या है? अच्छा जी, अब वो बिफोर गोइंग टू दैट, मैं अभी आपने से शायद किसी ने उमर ने पूछा था कि क्या हम एक लिस्ट बना सकते हैं? नो, लिस्ट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि मैं काम इस तरह लिखता चला जाऊंगा, और जब ये लिखते हैं ना तो ये आपको क्लियर कट पिक्चर नहीं देता, ठीक है, आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इसके अंदर मिस हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने उसको इस तरह हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बनाया तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि यार ये दो चीजें मिलके ये तीसरी ऊपर वाला एलिमेंट बन रही है। और अगर इनमें से कोई जी जो आपने बोला लिस्ट में चीजें मिस हो जाएंगी, ये मिस हो जाएंगी या ये लिस्ट के अंदर छुपी भी होती हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं छुपी भी नहीं, मिस होने का अंदेशा होता है लिस्ट, क्योंकि उस तरह ऑब्वियस एंड क्लैरिटी, मतलब उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है लिस्ट का कि आपके पास 1000 एक्टिविटीज इस तरह लिस्ट में लिखी हुई है, तो दिस इज अ चांस कि आप कुछ चीजें मिस कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते ना कि यार अच्छा मुझे ये काम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आप इस तरह नहीं होता कि आप फर्स्ट ही गो में सारी चीजें यूं लिख लेते हो। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो फिर बार बार उसको मतलब ऊपर नीचे वो स्पेस डालते रहोगे, अच्छा यार इस चीज को मैं कहाँ पे ऐड करूँ। आप सोचें कि आपने 600 के करीब चीजें लिखी हुई है और अब आपने एक चीज ऐड करनी है, अब आप पीछे जा रहे हो ढूंढ रहे हो कहाँ पे। आपने पहले ये स्ट्रक्चर बनाना है जो विजुअली आपको बड़ी क्लियर स्ट्रक्चर शो कर देता है कि भाई कैसे चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स डिलीवरिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर आप उसको ट्रांसलेट जरूर कर सकते हो लिस्ट में। जैसे अभी मैंने WBS बना के मैं MS वर्ड में गया और वहां पे वो उसी तरह मैंने उसको हायरार्किकल वे में इंडेंट कर लिया, ऐसा ही है ना, बट ओरिजिनली मैंने उसका WBS बनाया। WBS इज अ मस्ट थिंग फॉर, मतलब वैसे भी इसका फायदा है एग्जाम के लिए, आपने लाजमी इस चीज को समझना है। और अगेन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितना भी अभी तक मैंने बोला है ये सब का सब एग्जाम में इसमें से कुछ भी नहीं आना। ये जितना भी आपको बताया जा रहा है कि लिस्ट है WBS, ऐसा कुछ नहीं होगा कि लिस्ट के फायदे क्या है और WBS के फायदे क्या है, लिस्ट से नुकसान क्या है। ये सारी बातें करने का सिर्फ एक मकसद है, और वो ये मकसद है कि भाई PMI अस्यूम करता है कि छोटे से छोटे प्रोजेक्ट का भी WBS बनता है और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का भी WBS बनता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए सारी बातें की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सर किसी भी प्रोजेक्ट का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास किसी का भी कोई एज अ सैंपल कोई WBS पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा। वैसे वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने गूगल ड्राइव पे शेयर किए मेरा, उस पर भी देखिएगा और मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा आज उसी में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, अब आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि लिस्ट के अंदर मतलब एक तो कुछ डिटेल है वो ओवरलुक हो सकती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। अच्छा, देन इट कैन बी वेरी कंबर्सम एंड डज नॉट अलाउ यू टू क्लियरली ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रोजेक्ट, स्पेशली जैसे अभी हमने बात की उनका हमने कहते हैं। अच्छा, एक ये यहाँ पे अजम्पशन है, आई डोंट एग्री विद दिस जनरली, लेकिन जनरली होता ही है कि जब आप लिस्ट बनाते हो ना तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बैठ के या दो तीन लोग बैठ के ना एक लिस्ट बना देते हैं और उसमें ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें अगेन मिस होने का चांस है। बट WBS क्रिएशन इस तरह होता है कि आपने वो जो प्लानिंग टीम बताई है उस प्लानिंग टीम को ये कहा हो कि हाँ भाई आपके साथ क्या क्या मेजर लोग हैं और आप 4 से 5 पीसेज जो है ना उसके ब्रेकडाउन करते हो और एक आपको एक्सपर्ट मिल जाता है, लेट्स से प्लम्बिंग वाला, एक आपको इलेक्ट्रिकल वाला, और आगे वो लेके चलता है और वो अपनी फील्ड से अपनी टीम से उस तरह उसको ब्रेकडाउन करता है। तो जनरली ये बहुत सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं। बहरहाल लिस्ट भी मेरा ख्याल है मिलके भी बन सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री कि जी आप जब तक WBS आप अगर बना लें तो उसको लिस्ट में ट्रांसलेट करना इज मोर सेफ। आप पहले लिस्ट बनाएंगे तो देयर इज अ चांस कि आप बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि WBS आपको ना एक बड़ा क्लियर कट स्ट्रक्चर देता है, नॉट ओनली फॉर यू नो ब्रेकिंग डाउन योर प्रोजेक्ट, बल्कि
आप अपने कॉस्ट के एस्टिमेट्स, आप रिसोर्सेज की एलोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दो इंजीनियर चाहिए होंगे, ठीक हो गया, एक मुझे इधर चाहिए होगा, बेसिकली ये बनाने से पहले मैं नीचे देखूंगा, अच्छा यार मुझे एक इंजीनियर यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक सुपरवाइजर चाहिए, इधर सुपरवाइजर से नहीं चाहिए, इधर मुझे एक मेसन चाहिए, इधर मेसन नहीं चाहिए। अब ये सारी रिक्वायरमेंट मैं सम अप कर सकता हूँ ऊपर के, इस चीज को बनाने के लिए मेरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट यही है। तो हमें ये वाली जो समरी या समेशन है, ये वाला काम आसान हो जाता है इन केस ऑफ WBS। सो फॉर एग्जाम रिमेम्बर WBS इज अ की एलिमेंट, और इसका सिर्फ बनाना ये नहीं है कि आपने फर्ज किया कि एग्जाम के अंदर बना लिया, दैट्स इट, लास्ट में था तो हमने सोच लिया, इसके फवायद आपके माइंड में होने चाहिए। एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह से पुट किए जाते हैं कि उस सिनेरियो के अंदर उसका एडवांटेज लिया जाता है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि एक वो स्टेटमेंट ऐसे बताएगा कि जी टीम ने जो काम किया और टीम ने आइडेंटिफाई की अ लिस्ट ऑफ यू नो थिंग्स टू डू ऑन देयर प्रोजेक्ट, अब वहां पे देयर इज अ चांस कि जी आपसे कोई चीज मिस हो गई है, अब उसकी रीजंस आपको व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, तो मे बी वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जी WBS उनसे एक ऑप्शन ये लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि WBS उन्होंने क्रिएट नहीं किया था, उन्होंने लिस्ट बनाई थी। तो इस तरह के मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ये नहीं आएगा कि आपने लिस्ट बनानी है, एडवांटेजेस लिस्ट के क्या हैं, WBS के क्या है। WBS बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उसके अंदर नहीं लिखी हुई, रीटा के अंदर नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको चाहूंगा कि हाईलाइट कर दूं। दो या तीन तीन जो है ना रूल्स बनाए गए हैं, ये अगेन ह्यूरिस्टिक्स हैं, रूल ऑफ थंब है, ये लॉ नहीं है कि आपने लाजमी फॉलो करना है। स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ना, जनरली स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप कम से कम, मतलब बहुत भी अगर किसी चीज को छोटा ब्रेक कर देना, तो आप कोशिश करें कि उस चीज पे, उस काम को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 घंटे लगे। 4 घंटे से ज्यादा ब्रेक डाउन कर लेंगे ना, तो फिर हर 1 मिनट बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट आ रही होगी, सर मैंने पेज टाइट कर दिया है, सर मैंने एक कील ठोक दी है, सर मैंने टेप लगा दी है, यू नो इतने छोटे छोटे काम जो है, जो जिनके पे 4 घंटे भी ना लगे, आप उतना ब्रेक डाउन ना करें, कम से कम उसको 4 घंटे लगने दें। और बहुत बड़ा भी अगर पीस रखना है तो वो आप 40 आवर्स का रखें। 40 आवर्स का मतलब क्या है, 8 आवर्स अ डे 5 डेज अ वीक, तो आपका 1 वीक का काम। सो ये एक छोटे प्रोजेक्ट पे अगर किसी चीज को आप ब्रेक करते हैं तो कोशिश करें कि 1 वीक से कम कम इतना ब्रेक कर दें उसको कि उस पर 1 वीक से कम का टाइम लगे, लेकिन इतना भी छोटा ना कर दें कि 4 घंटे से कम का टाइम लगे। सो एनीथिंग बिटवीन 4 to 40 आवर्स। मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए जनरली कहा जाता है कि 8 to 80 आवर्स, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम, और 8 आवर्स 1 वर्किंग डे बनता है। तो एक दिन से लेकर